Hello student, I am Mrs. Meera Shrivastav, your physics teacher. In previous video, we have done the first chapter of physics, electric charges and fields. Now, today I am going to teach you the second chapter of physics, Gauss's theorem. Coulomb's law and Gauss's law both are equivalent, but Gauss's law is more fundamental in physics because Coulomb's law does not hold exactly in electrodynamics. Now, before starting Gauss theorem, we have understand some important topics. These topics are area vector, solid angle, electric flux, and charge distribution. With the help of these topics, we can easily understand Gauss theorem. Let us start one by one. Now, let us start area vector. Basically, area is a scalar quantity, but in some situation in physics we have treated as a vector in some cases, like Gauss's theorem and Ampere's circuital law. We will study further where area is treated as a vector. In those cases, area has a specific direction or orientation. Now we have a defined area vector for a plane surface. For a plane surface is a vector. Plane surface is a vector whose magnitude is equal to area of surface and direction is perpendicular to the surface. तो इसका ये जो area है, area of surface, इसका magnitude हो गया और direction always perpendicular to the surface. तो कोई भी एरिया जो आपका, वैसे तो एरिया है आपका, इसका डायरेक्शन आप कैसे दिखाएंगे, जैसे कि मेरे पास कॉपी है, तो इसका जो ओरिएंटेशन होगा, ये आप देख रहे हैं, जब आप इसको ओरिएंटेशन करोगे तो इसका डायरेक्शन जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होना चाहिए. तो इसका दो, इसका जो नॉर्मल है वो ओरिएंटेड कर रहा है. तो वी कैन डिफाइन मैथमेटिकली एरिया, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. वी हैव डिफाइंड एरिया इज मैग्नीट्यूड, इसका सरफेस हो गया, और डायरेक्शन इसका नॉर्मल. तो इस तरह से एरिया वेक्टर को डिफाइन किया जाता है. तो ये आपका जो है, जब जो सरफेस है वो टू टाइप्स का हो सकता है, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस. क्लोज सरफेस में आप इस तरह से डिफाइन करेंगे. तो बेसिकली जो है टू डायमेंशन में, टू डी में आप जो है परपेंडिकुलर यूज कर रहे हैं, और थ्री डी अगर है, थ्री डी आपका कोई भी क्लोज सरफेस, वहाँ पे एरिया वेक्टर जो है आपका, ये जो है आपका एरिया एलिमेंट हो गया. एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, उसका एरिया एलिमेंट उसको कहते हैं, और इसके परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन ये होगा. तो ये आपका थ्री डी में हो गया, और डायरेक्शन हमेशा आपको आउटवर्ड डायरेक्शन लेना है. कोई भी आप सरफेस लेंगे, जैसे आपने ये कोई भी आप सरफेस लेंगे, तो एरिया का जो डायरेक्शन हो वो आउटवर्ड की तरफ है. अगर इधर ले रहे हैं तो इधर आउटवर्ड होगा. ओके, तो मैथमेटिकली वी हैव अ डिफाइंड एरिया इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया सरफेस एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सेकेंड टॉपिक इज सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल इज अ थ्री डायमेंशनल एंगल सस्पेंडेड बाय ए ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर थ्री डी स्पेस. यू कैन से सॉलिड एंगल इज ए मेजर ए अमाउंट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू फ्रॉम सम पर्टिकुलर पॉइंट दैट ए गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट, यहाँ पर क्या है, गिवन पॉइंट. तो अमाउंट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, ये पर्टिकुलर एरिया है जो कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से जितना कवर करेगा, ये वाला एंगल आपका सॉलिड है. लाइक कोन या आइसक्रीम कोन, जो एंगल जो सस्पेंडेड होगा वो आपका जो है सॉलिड है. सॉलिड, सॉलिड एंगल डिफाइंड एज इट इज रेशियो ऑफ, अगर इसका जो एरिया जो पार्ट कवर कर रहा है वो स्मॉल एरिया है, इसको एलिमेंट एरिया भी कहते हैं, तो डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा
एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसको डी ओमेगा से. डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर. डी एस अपॉन आर स्क्वायर रेशियो ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ये इसका डिस्टेंस हो गया एक पर्टिकुलर पॉइंट से और ये इसका एरिया एलिमेंट. तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर. अगर टोटल एंगल है आपका कोई क्लोज सरफेस है, मेनली ये जो एंगल है वो 3D के लिए है, 3 डायमेंशन में होगा. तो टोटल एंगल सस्पेंडेड बाय एनी क्लोज सरफेस इन साइड ए पॉइंट कहीं भी पूरे पॉइंट पे, अगर ये तो जब आप स्मॉल एरिया ले रहे हैं कहीं पे तो वहाँ पे आप डी ओमेगा यूज़ करेंगे डी एस अपॉन आर स्क्वायर. लेकिन अगर पूरा एंगल क्लोज सरफेस के लिए कोई भी शेप होगा, कोई भी ऑर्बिट्री शेप हो सकता है, तो उसका जो एंगल सस्पेंडेड होगा तो वी हैव राइट ओमेगा, उसको कैपिटल ओमेगा से लिखेंगे. और अगर आपका ये स्फेयर पार्ट है तो एरिया स्फेयर का ले लीजिए और उसका रेडियस जो है आर स्क्वायर है. एंगल जो है वो सस्पेंडेड हो रहा है सेंटर से तो वो आप रेडियस होगा आर स्क्वायर. तो एरिया का स्फेयर का एरिया क्या होगा 4πr². तो ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल ओमेगा इज इक्वल टू 4πr², इसका रेडियस आर है, और अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्टे रेडियन. स्टे रेडियन इसकी यूनिट है स्टे रेडियन. SI यूनिट क्या है? स्टे रेडियन. तो कोई भी शेप के लिए जो है वो आपका जो सॉलिड एंगल सस्पेंडेड फॉर ए क्लोज सरफेस विल बी 4π. तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इलेक्ट्रिक फील्ड. वॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच इज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज. तो चार्ज जो है अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स. यू हैव ऑल्सो से लाइन ऑफ फोर्सेस. नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ये हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए सरफेस प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर ऑफ लाइन्स ऑफ फील्ड पासिंग थ्रू द दिस सरफेस. वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स. इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. इफ इट प्लेस्ड ए सरफेस इन साइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप इधर देख रहे हो ये क्या है? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है. लेकिन जब आपने इस पर सरफेस के अंदर रख दिया तो ये फील्ड लाइन इस सरफेस के साथ लिंक हो गई है. ये सरफेस का एरिया मान लीजिए ये आपका ए हो गया, ए एरिया है, और इसका एक अपना एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर इसका क्या होगा? वो आउटसाइड द सरफेस नॉर्मल टू द सरफेस. तो ये क्या हो गया? इससे लिंक्ड हो गया. तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द दिस एरिया. ठीक है, जितनी भी लाइन जैसे यहाँ पे कितनी लाइन पास हो रही है यहाँ पे और बना दें 1, 2, 3. ये आउटसाइड वाली नहीं, जो इस एरिया से कवर होकर जो इसको पेनिट्रेट करते हुए निकल रही है वो लाइन क्या होगी? इस लाइन का नाम चेंज हो जाएगा, वो लाइन होगी फील्ड लाइन. इसके पहले वाली लाइन क्या थी? अगर जो इसके पहले जो ये लाइन है जो इस फील्ड को पास नहीं कर रही है उसको आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या फील्ड लाइन. लेकिन जब ये एरिया से होकर लिंक होकर के जो पेनिट्रेट करके निकल रही है वो जो है वो लाइन आपकी क्या हो जाएंगी? उस लाइन को हम लोग फ्लक्स कहेंगे.
So the number of electric lines of force, the